श्री नैना देवी में श्रावण मेला के दौरान लगेंगे 80 लंगर। श्रद्धालुओं को खान पान पर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लंगरों की व्यवस्था पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की समाज सेवी संस्थाओं के श्रद्धालुओं के द्वारा की जाएगी। इस बार विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण मेले 17 अगस्त से शुरू होंगे। श्री आनंदपुर साहिब से हिमाचल सीमा में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को खान पान पर एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए यह समाज सेवी संस्थाएं सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और रात्रि भोजन की व्यवस्था करेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। श्रद्धालुओं को श्रावण मेले के दौरान 4 से 5 घंटे का समय लाइनों में लगता है। उस समय लाइनों में भी यह समाज सेवी संस्था के लोग श्रद्धालुओं के लिए खान पान की व्यवस्था करते हैं। पंजाब लंगर कमेटी के प्रधान डॉक्टर सतपाल अग्रवाल की अगुवाई में आज संस्था के पदाधिकारी ने माता श्री नैना देवी के दर्शन किए और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और लंगर कमेटी के द्वारा जहां जहां लंगर लगाए जा रहे हैं उन जगहों का निरीक्षण किया गया। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।